about first Sea of Thieves. But I can't need stream kar raha hu bahut zyada. Usually is time pe aadhi stream khatam ho jati hai ya stream hi khatam ho jati hai. But abhi just start kar raha hu. I don't know koi aayega nahi aayega. आज भी क्वेस्ट नहीं हो पाएगा. आई एम सो सॉरी बिकॉज मैंने उस क्वेस्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड ट्रस्ट मी वो अनोइंग है. लाइक बहुत सेल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज आज हम श्राइन टू श्राइन जंप करेंगे और देखते हैं कितने पैसे कमा सकते हैं कॉइन्स. कभी कभी मन करता है कैलियन डाल के ऐसी ओपन रख दूँ देखते क्या ही होगा. पर फिर बोलता हूँ अगर किसी ने अटैक किया ना वो संभालते संभालते नाक में दम हो जाएगा. सो माय शिप क्लोज्ड क्रू. आई नो मैंने ही बोला था कि कोई अगर अच्छा आता है तो हेल्प हो जाता है बट एक है खराब आता है तो बिल्कुल हेल्प नहीं होता. सो सोलो ही हिट करेंगे. एक हाथ वोएज ले लूँगा मैं. आई थिंक मर्चेंट ही लेता हूँ. हाँ मर्चेंट ही लेता हूँ एंड श्राइन टू श्राइन जाऊँगा. अगर बीच में बोर हो गया तो एक हाथ वोएज कर लूँगा बट उसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा. और आई थिंक कल ब्लड हंट खेलेंगे. जल्दी ब्लड हंट के लिए एक और प्लेयर हमारे साथ ज्वाइन होने वाला है. जो ट्विच पे मुझे देखते थे उन्हें पता है वो कौन है द वैलोरेंट बॉय. बट जो यूट्यूब पे मुझे देखते उनको नहीं पता. समझ जाएगा कौन है. और हाँ एंड आई एम सीरियसली सॉरी पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी था. इनफैक्ट सिटी में ही नहीं था मैं. कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था. टिल देन कमेंट्स में ये सजेस्ट करो कि यहाँ पे क्या लगाऊँ. ये ब्लैंक ब्लैंक ठीक है पर यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं. कमेंट करो बताओ मुझे क्या लगा सकता हूँ. I think I know. Hey, lucky, right? So इसमें दो मोड्स है. एक है ये जो ओपन सी सब बी एन ऑल और एक है जिसमें कोई नहीं होता पर वापस से टॉल टू. सो माय क्वेश्चन इज ओशन स्पोर्ट्स को लेकर. सो ओके माय क्वेश्चन इज क्या हम वहाँ पे बिना किसी के ये श्राइन्स और वोएजेस कर सकते हैं. आई थिंक वोएजेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने की है. आई डोंट नो अबाउट श्राइन. वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो कर पाए ना सॉर्टेड चीज़ हो जाएगा. उसमें हम पीवीपी सॉरी आई थिंक हम हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं. और अगर वो कर लिया मजे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम कॉन्स्टेंटली सब गोल्ड क्रंच कर सकते हैं. पाम चलो सो वी हैव स्टार्टेड टू सेल साउथ साइड में. आई थिंक विंड थोड़ा ट्रबल देगा. Thank you.
why मुझे इतना glorious drops मिल रहा है होना तो नीचे but हो रहा है अब तो atmosphere भी ठंडा है thermal throttling करेंगे पकड़ने के दो फायदे तो आपका पास एक कब भी बन सकता है वो एक तरीके का अच्छा हेल्थ रिवाइवल पिक बोल सकते हैं सो हाँ बेस्ट चीज है फिश पकड़ना जितनी रेयर फिश है उतना ज़्यादा पॉइंट ऑन कर ऐसा लगा साइन क्रॉस कर लिया हमने ओके सॉरी गाइस सॉरी सभी फिश स्प्लैश टेल है ठीक है इतना बुरा भी नहीं इसको पीछे छोड़ दिया चलो एक और चल फिशिंग से जितना ऑन हो सकता है ऑन करें बेटर तो दिखना चाहिए ना अभी ठीक है यार अपना खुद का शेप बड़े लकड़ा 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 हर दूसरों की शेप देखकर शर्म आता है फिलहाल पहले तो आई थिंक मैं ये भूमि बन सकता बहुत टाइम से ऐसे ही बन अभी अगर मैंने नोट ले लिया और कोई ट्राई हार्ड या कोई पर आके मेरी सारी लूट मिल जा सकता है जेन्युइनली सारी की सारी लूट मिल जा सकता है मेरे पास गेम का कुछ नहीं बचेगा पर वो लूट लेने में मज़ा भी उतना है कॉम्बैट अरीना वाला ना हो जो जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है एक ट्राई में तो कभी ख़त्म नहीं होता वो अब मुझे इन सब के नाम नहीं पता एक्चुअली मुझे बस पता है श्राइन कहाँ पे मिलता है कहाँ पे जाना होता है ये
मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें पहले जा चुका हूँ मैं। हाँ ये भी पजल है, पूरा पजल है शायद। तो केकड़ा किधर गया? अरे अच्छा ओके शिट, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। इसका केकड़ा किधर है? इसका भी अंदर है। अरे बाहर जाने का रास्ता, अंदर जाने का रास्ता कहाँ पे? पहले ऊपर चलो, पहले ऊपर चलो, जल्दी 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 जल्दी। अरे मर जाऊंगा रे, जल्दी चल। शायद शार्क, वैसे कभी शार्क मीट खाया नहीं है मैंने इस गेम में। अटैक ना करे बस, उतनी ही भगवान से दुआ है फिलहाल। चल 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 चल, डूब मत डूब मत डूब मत, चल 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 चल, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, चल 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 चलो 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 चलो, पहुंच गए बस। लास्ट टेल था पहले वो पका लेता हूँ। हाँ अभी अच्छा अच्छा हुआ, कम हुआ। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फिश खाने से क्या होता है एग्जैक्टली। मैंने जानबूझ के शार्क रख दिया बिकॉज आई वॉन्ट टू सी क्या होता है, उसको बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, एक्चुअली गूगल करना चाहिए। नहीं पहले गूगल कर लेता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ उसको पकाना है नहीं पकाना है। अभी वाइट हो रही है ना, इसको थोड़ा ब्राउन होने देना। जैसे थोड़ी ब्राउनिश हो गई है ना पूरा पूरी फिश, टेक कर लो कुक परफेक्शन, कुक फिश फिश टू परफेक्शन। अभी देखो जैसे मैंने ये खाया, नोटिस करो वो जो बोन्स वाला आइकॉन है वो भी थोड़ा बढ़ गया था। सो बेसिकली अभी अगर मैं कुछ खा लेता हूँ या मुझे बेसिकली मुझे मार पड़ती है, मेरी हेल्थ कम हो जाती है, तो जो एक्स जो सर्कल है वो बेसिकली एक्स्ट्रा हेल्थ है तो अपने आप रीजनरेट हो जाएगी। सो डू ईट फिश इन दिस गेम, रेयर वाली कुक करके बेच दो। अभी जैसे मैंने शार्क किल किया है तो वो तो मैं मोस्टली बेच ही दूंगा। इसका एंट्रेंस का मुझे तो वही लग रहा है, एंट्रेंस वही था और क्या हो सकता है एंट्रेंस, क्योंकि यूजुअली एक एग्जिट होता है एक एंट्रेंस होता है। दो एग्जिट मैंने आज तक नहीं देखे किसी श्राइन में, मतलब इतने हिट भी नहीं किए, पर आई डोंट नो मे बी। चलो चलो भाई मर जाते हो फिर आप। और आई थिंक शार्क को मारने की कोई काफ़ी अच्छी टेक्निक भी हो, बिकॉज आई डोंट थिंक ये जो मैंने अभी किया
दैट इज़ रिकमेंडेड, खुद जाके फुल टशन मार के मारो शार्क, मिलेगा कुछ नहीं, हेल्थ जाएगी बस। वो तो नसीब अच्छा था कि पहला हिट मेरा लगा था। ये तो एग्जिट ही है, इतना तो मुझे समझ गया। कि अगर तुम एंकर नहीं लगा ना, शिप थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता रहेगा, बट इतना भी नहीं होगा कि जिससे तुम्हें तकलीफ होगा। सो मेक श्योर, बट एक चीज़ अच्छा है, जैसे अगर कोई तुम पे अटैक करे, शिप में बैठो, सेल डाउन करो और भागो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रो ऐसा क्यों लग रहा है? क्रैप अंदर की तरफ है, सी इसका क्रैप जो है अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ कभी भी क्रैप नहीं हो सकता क्योंकि उसको शूट करके ही तो अंदर जाते हैं। ये आई थिंक दूसरा एग्जिट है। चल यहाँ कहाँ पे है इसका एंट्रेंस? ऑनेस्टली यार क्या क्या बकवास है ये, इसका भी किकड़ा। ओके तो ये कुछ ग्लिच है, एयर बबल टाइप कुछ है। अरे यार एंट्रेंस किधर बे, ये क्या बकवास लगा है? दो एग्जिट्स नो एंट्रेंस, क्या होता है यार? मुझे तो लग रहा है नीचे ही है, पर एक बार फुल सर्कल मार ही लेता हूँ।
ज़्यादा हेल्प कर देती है। एक ग्लिच का फायदा उठाओ, ज़्यादा देर अंडर वाटर रह सकते हो। ये दो तो नहीं है, अरे क्या नाटक है, कभी वॉयज में पता नहीं मिलता, कभी आया तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरा कोरल है। होना तो उसे इसी साइड में होगा, उस साइड कुछ नहीं है या फिर और नीचे है। नॉर्थ साइड में एकदम जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, रात हो गई है। वो शिप्स दिख रही है एकदम बीच पे, खत्म। क्या बकवास है,
आ गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्या मजा किया है। कहाँ पे यार, दरवाजा देखा था ना हमने, वही एंट्रेंस है अपेरेंटली। वहां नीचे कुछ तो क्रैक है, उसके अंदर से घुसना है। जाऊ कैसा, जैसे जैसे सॉल्व करता हूँ आई थिंक मुझे एक एक करके उसके वीडियोज बनाने से थोड़ी होगी। कैसे जाऊं, तो उस साइड जाना ही नहीं है। ठीक है, और अभी इधर करूं क्या, पुली तो मैं यूज कर नहीं सकता। यहाँ से वहां भी नहीं कूद सकते, यहाँ से
वो तो पास है, वहां क्यों नहीं कूदने दे रहा? इतना दूर रहा। स्टैचू है जिसका मतलब यहाँ पे खजाना है। एक सेकंड, हाँ ये वही है। यहाँ पे किस स्टैचू थे अगर खजाना? ऊपर जाना है। मतलब क्या हुआ अगर मैं यहाँ से वहां नहीं जा सकता? तो चीज हाँ, इस पे अब मैं चल सकता हूँ। और दिक्कत ये अटक गया। इसे कहाँ जाना है? गया, बच गया। चलो से मैक्स इधर तक आएगा और इधर आके भी कर क्या लूंगा। कुछ और चीज मैं मिस कर रहा हूँ। इधर की तरफ भाग रहा, मैं उधर की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ।
पुलिस से हिलता है, वो पुलिस से भी ये हिलता है, पर वहां जाके करूं क्या? उसके आगे कुछ नहीं है। आइए वो है दो एग्जिट से, कुछ तो अंदर से मिस कर रहा हूँ। कुछ तो है जो मिस हो रहा है। तो सीधा वहां से आ सकता हूँ, मगज मार कर। वहां जाके करूँ भी क्या? वहां से ये नीचे गया, फिर यहां से इसको वापस ऊपर लाया, उस एंकर से इसको सीधा किया, इस पर अब मैं चल सकता हूँ। ओके टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पहुँच गए,
एंड ऑफ दिस एपिसोड आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाली है आई थिंक. अब जो मैं सोचता हूँ वो हमेशा सही होता है. इनफैक्ट मैं जो सोचता हूँ वो कभी सही नहीं होता. उस पर कूद कैसे यार, इतनी उसी चीज़ है और वहाँ पे आई डोंट थिंक सीधा चल के जाना इज एन ऑप्शन. मैं सीधा चल के जा सकता हूँ.
कहाँ थे हम? यहीं पे थे हम, आ जाएंगे। सो बेसिकली तरकीब मिल गई है, फिर उतना ऊपर चढ़ना है। आई डोंट थिंक अभी इसकी कोई शॉर्टकट है। कहीं से जाना है? कहाँ पे यहाँ पे? ट्राइडेंट से ही मारता हूँ उसे। उस तरफ जाना है। हम यहाँ से बाहर कहीं आएंगे। अभी पास में नहीं हो, सब नीचे है।
क्या बकवास है, आप चलते से बात बस। यूजुअली नहीं, आपका इसका कैपेसिटी होता है, इसका 20 चीज़ें मिल जाता है। मजाक नहीं कर रहा, सच में 20 का 20 पीसेस ऑफ ट्रेजर रहते हैं। अब क्या फायदा ट्राइडेंट का, हार दिया हो। लिया था और उसमें कुछ और डाल दिया था, तो वो टेक्निकली 10 तक। यहाँ एक बॉम्ब्स वगैरह भी है मेरे पास, और है जगह जाने को, और कैसे जाना है? I'm 100% sure. Yeah, I'm 100%.
बचा नहीं था खा के. ओह थैंक गॉड, ओह थैंक गॉड. यहाँ से तो बाहर चला जाऊंगा, नहीं यहाँ से पूरा ही बाहर चला जाऊंगा. वहाँ पे भी कुछ है, दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो रिस्क लेके आगे खींच सकता हूँ इसको इस उम्मीद में कि ऊपर शायद और ट्रेजर हो, या फिर जितना मिला है वो लेके निकल के बेच के ख़त्म कर दूँ, या तीसरा ऑप्शन है सब रहने दूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया आज. तीन ऑप्शंस है, क्या चूज़ करूँ. फिर एक ऑप्शन ये भी है कि YouTube पे देख लूँ, पर फिर मतलब नहीं रहेगा अगर मैं सब YouTube पे देखने लगा तो. और है इसमें नो डाउट, और बहुत ज़्यादा ट्रेजर ऐसे ही पड़ा हुआ है. सी क्या बोला था मैं, नीचे ही है, यही पे है. क्या वार ढूंढ रहा हूँ पागलों सा, यही पे है ट्रेजर. एक ये रहा तो वहाँ पे सारा ट्रेजर मिलता है. यार ये डिजाइन ऐसा किया गया था कि पहले मुझे पूरा ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, फिर दिखाएगा. अरे ये तो कितना बाकी था, तो जहाँ तक मुझे याद है इधर का सब क्लियर किया नींद में. पक्का यहाँ का हो गया है, पक्का खत्म. ओके अब वहाँ पे मैंने चेस्ट देखा था. हाँ ये रहा चेस्ट, तीन चीज़ें ऐड कर सकता हूँ. डाउट आ रहा है ऊपर पे.
यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे और दो तीन चीजें मुझे मिल जाए, बस देखना पड़ेगा। आई डोंट, हो भी सकता है यार, बोल नहीं सकता मैं, यू नो व्हाट, लीव इट। 17 ट्रेजर इज नॉट बैड। तो अभी मैंने वापस स्टोर कर दिया था मोमेड के पास, अब मैं खुद ऊपर जाके फोकस में नहीं हो गया। यहाँ पे आके, हाँ यहाँ पे भी एक मोमेंट दिखेगा, ऐसा एक बार मोमेंट दिखता है, इसके पास जाके इसको फिर कमांड मिल जाता है कि यार नीचे जाके सारा ट्रेजर करा दे। बेस्ट ऑप्शन है अभी यहाँ पे आके शिप को एडजस्ट करके सारा ट्रेजर हाथ में। ट्रेजर कलेक्ट करना है पानी में और लोगों को उठाना है, तो ऐसे करिए, कुछ बहुत बढ़िया फायदे हैं। पास वाला आउटपोस्ट कौन सा है? शोर ऑफ प्लेंटी, ये बहुत प्लंडर आउटपोस्ट साउथ ईस्ट।
short now. काफी टाइम लग गया एक ही स्ट्राइक के पीछे, देखने में इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है, काफी टाइम का नहीं लग रहा, बट एक बार आपको समझ में आ गया ना क्या कहाँ पर है, कैसे यूज करना है, बहुत ही अभी आप बस देखो कितने में सब कुछ कर, और आई डोंट थिंक मैंने पूरा ट्रेजर लिया भी है, अगर पूरा ट्रेजर नहीं देता ना तो 20 का ट्रेजर स्लॉट भर जाता है। गेम जितना फ्रस्ट्रेटिंग हमने बार बार बोल रहे हैं, गेम जितना फ्रस्ट्रेटिंग है उतना सेटिस्फैक्ट्री भी है, इतना फ्रस्ट्रेटेड था जब मैं ट्रेजर बेचूंगा उसके साथ पता नहीं कितना मिलता, हो सकता है 16 पर टच कर गया हम, मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या नाम बस दो चीज़ों का डर है, स्केलेटन शिप आके डुबा ना दे और दूसरा कोई और प्लेयर पार्ट इस क्योंकि ये कैप्टन है, मतलब उसका कैप्टन है, मैं सारी चीज़ें एक ही जगह देख सकता हूँ, ये 50,000 की कुकिंग कर रहा है, टाइम सेव,
शुरू कर दिया उससे। पर अगर कुछ चुप गया अंदर मेरी बैंड बच जाएगी सब निकल जाएगा। पे थे अब 189 पे पहुंच गए, सो नॉट बैड। जस्ट इन केस पर शिप पे देख a good shrine. और हाँ fish में patience सिखाऊंगा, but that's for some time else. Okay. See, मैं बोला था ना मिलेगा ठीक है, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी हो आप, जब भी आप देख रहे हो।